बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रोज़ी रिज़क के लिए ज़बरदस्त अमल, आप रोज़ाना जितना भी जायज़ काम में ख़र्च करेंगे इंशाल्लाह आपकी जेब कभी भी खाली नहीं होगी। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा हैं। ऐसे तमाम लोग इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें तो इंशाल्लाह उनकी जेब कभी भी खाली नहीं होगी, गैब से अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाएंगे। अमल का तरीका इंतहाई आसान है, आप भूज पत्र के ऊपर इस अमल को मुश्क ज़ाफ़रान से लिखें। भूज पत्र आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा। ज़ाफ़रान के अंदर थोड़ा गुलाब और मुश्क डालकर उससे आप भूज पत्र के ऊपर ये तवीज़ लिखें। अगर भूज पत्र पर तवीज़ लिखना मुश्किल हो या मुश्क आपके लिए मुश्किल हो तो आप बाज़ार से थोड़ा ज़ाफ़रान ले लें, 100, 150, 200 रुपये का आपको आसानी से मिल जाएगा। उसमें थोड़ा अरके गुलाब डालें, उसे स्याही तैयार करें और मजबूरी में आप सफ़ेद कागज़ पर भी लिख सकते हैं। ज़ाफ़रान से सफ़ेद कागज़ पर लिखें, लिखने के बाद इस नक्श के ऊपर आप सूरत मुज़म्मिल 7 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक 7-7 मरतबा पढ़ कर इस नक्श के ऊपर फूंक मार दें। इसको मोम जामा प्लास्टिक में लपेट कर अपने बाजू पर बांध लें, अपने गले में बांध लें या अपने पर्स में रख लें। सूरत मुज़म्मिल आप 7 मरतबा हर रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़कर इस तलिस्माती नक्श के ऊपर फूंक मार दिया करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी भर आप कुदरत इलाही का तमाशा देखेंगे, आपकी जेब कभी भी खाली नहीं होगी। आप जितने पैसे जायज़ काम में ख़र्च करेंगे इंशाल्लाह उतने ही पैसे आपकी जेब में वापस आ जाया करेंगे। यूं समझ लें कि आपके नोट तिलिस्माती नोट होंगे। बहुत ज़बरदस्त अमल है। अमल के दिनों में 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें, दुरूद पाक की कसरत करें, हर वक्त बावजू रहें, आपकी जेब कभी भी खाली नहीं होगी। नक्श को चाल के हिसाब से लिखें, हमेशा सबसे पहले छोटा हिस्सा लिखा जाता है, पहले एक नंबर वाला खाना लिखें फिर 2 नंबर वाला, इसी तरतीब से नक्श मुकम्मल करें। नक्श बावजू हालत में पूरे यकीन के साथ लिखें। नक्श लिखते वक्त आपका जिस्म पाक हो, कपड़े पाक हों, बावजू हालत में खुशबू लगाकर इस नक्श को लिखें और फिर इसका नतीजा देखें। इंशाल्लाह आपको कभी भी पैसों के मामले में कमी नहीं होगी। मेरी तरफ से हर खास आम को इस अमल की इजाज़त है। जो भी इस अमल को करेगा वो इंशाल्लाह इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अगर किसी को ये नक्श बनाने में मुश्किल पेश आए तो मुझसे बजरिया डाक ये तवीज़ लिखे हुए मंगवा सकता है, मुनासिब सा हदिया है। अगर कोई चाहे तो ये मुझसे भी मंगवा सकता है, अगर ख़ुद करना चाहे तो हर खास आम को इस अमल की इजाज़त है। ये नक्श जुमे के रोज़ शम्मस की 7 में लिखा जाएगा। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपको इस अमल में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह करीम आपको, आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह करीम आपको दुश्मनों के शयातीन के शर से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।